सतवारी मेन चौक से थोड़ी सी आ गए यहाँ पर, सतवारी की ये सब्जी मंडी थी। इस सब्जी मंडी में कल रात को लगभग 1:30 बजे के करीब आग लगती है, और आग लगने की वजह से यहाँ पर जिन लोगों ने रेड़ियाँ लगाई हुई थी, 16 रेड़ियाँ और 3 दुकानें बताया जा रहा है, इन 3 दुकानें ये बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जितना भी फ्रूट वेजिटेबल जो भी सामान इन रेड़ी वालों ने, इन दुकान वालों ने रखा हुआ था, वो सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया। ये जो बिजली का खंभा आप सामने देख रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि इन तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, इन तारों की वजह से यहाँ पर आग लगी। और ये खंभा भी आप देख सकते हैं कि ये खंभा तक यहाँ पर जल गया है। ये जितना सामान आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब जलकर राख हो चुका है। मौके पर इस समय पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं, और जो यहाँ पर रेड़ी लगाते थे, जो यहाँ पर कारोबार करते थे अपना इस सब्जी मंडी में, उनका ये कहना है कि जब नवरात्रे होते हैं, जब यहाँ पर रमज़ान होता है, क्योंकि लोग सामान ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए हमने डबल सामान जो है वो रखा हुआ था इन रेड़ियों में, और कल रात को आग लगने के बाद सब कुछ जलकर राख हो गया। उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सन्नी मेहरा है। आप भी यहाँ पर रेड़ी लगाते थे? हाँ जी, मेरी भी रेड़ी ही मैडम जी थे। मुझे बताइए कि रात को आग जो है वो इन तारों की वजह से लगी, आग बुझाने लोग कितनी देर बाद आए? मैम ये आग लगी कोई रात को 2 बजे के करीब, तो यहाँ पे एयरफोर्स के गार्ड है, उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मौके पर पहुँच के फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया, 5 गाड़ी यहाँ पे मौके पे पहुँची। उसके बाद उन्होंने हम सबको कॉल की, हमारे नंबर उनके पास थे, हमारे घर आए, हम मौके पर यहाँ पहुँचे, लेकिन तूफान की वजह से आग एकदम से फैल गई। 5 गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से आग बुझाने की कोशिश में लगी थी, और 2 घंटे लगे यहाँ पे आग बुझाने में। और हमने भी कोशिश की कि हम अपना सामान जो बच सके, लेकिन SHO साहब ने, DC साहब ने और SDM साहब मौके पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको मुआवजा दिलाएंगे। तो आपको पता है मैम, रोजे चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, इस समय हर आदमी की यही कोशिश रहती है कि 2-4 पैसे ज़्यादा कमाएं। तो हमने स्टॉक भी यहाँ पे डबल ट्रिपल ला के रखा था मंडी से उधार ला के। कितना नुकसान लगभग आपका हुआ होगा? मैम एक रेडी का 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ, और तकरीबन 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ यहाँ पे। और मैम आपको पता है पिछले साल भी कोविड के समय सभी इधर बेकार ही रहा था, पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से निकाला, अभी शुरुआत हुई थी ज़िंदगी की नए सिरे से, तो अब रब की मार पड़ गई। तो हमारा यही है, अब SDM साहब हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे गवर्नर साहब से, सरकार से, मोदी सरकार से यही अपील है कि हमें थोड़ा थोड़ा मुआवजा दिया जाए, ताकि हम नए सिरे से अपने काम की शुरुआत कर सके। आपको पता है एक रेडी पर 4-5 आदमी होते हैं, और उनके आगे फैमिली होती है, 500-700 आदमी यहाँ से खाना खा रहा था, आगे पिछला साल बड़ी मुश्किल से निकल रहा था, निकाला, अब नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की, अब रब की मार पड़ गई। तो आप फिर आपके सामने रात को जब आग लगी, आप रात को ही यहाँ पर पहुँच गए थे या फिर आप सुबह आए? मैम हम 2:15 बजे से इधर ही हैं, भूखे प्यासे, ना हमने पानी पिया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान आप पहुँचे क्योंकि आप 2:15 बजे यहाँ पे थे। SHO साहब ने बहुत मदद की, उन्होंने गाड़ियाँ बंद कराई, ताकि किसी को और नुकसान, आग इतनी फैली थी कि अगर ये बुझाई नहीं जाती तो शायद ये नरवाल का एरिया पूरा जल जाता। आप खुद सोच सकते हो 5 गाड़ियों ने इसको काबू किया, कितनी भयानक आग होगी, तूफान चल रहा था, आग फैली जा रही थी। तो SHO साहब का धन्यवाद। ये यही इसी एरिया में रेड़ियाँ थी या फिर आगे की तरफ जब आप जाएंगे वहाँ पर भी रेड़ियाँ थी? यहाँ पे लगी 16 रेड़ी को, और एक रेड़ी आगे भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने वहाँ काबू कर लिया। यहाँ 3 दुकानें थी फ्रूट की, वो भी जलकर राख हो गई, उनका तो अलग 6-7 लाख का नुकसान हुआ है। उनका अलग आगे मंदिर भी है, मंदिर में भी मंदिर है, उनके साथ एक घर है। तो ऐसे अगर हवा की वजह से ये पूरा ही तबाह हो जाना था नरवाल, जिस तरह 5 गाड़ियाँ थी, आप सोच सकते हो कि 5 गाड़ियों ने इसको काबू किया मंडी में आग को। आप मुझे बताएं कि इसी रेड़ी से आपका घर चलता था या और कोई कारोबार भी आपके घर में कोई करता है? और कोई कारोबार नहीं है, यही रेड़ी से, यही से बच्चों को पढ़ाता हूँ, यही से बच्चों को खिलाता हूँ मैं। कितना नुकसान आपका हुआ? ये कोई 40-45 हज़ार रुपये का। 40-45 हज़ार रुपये का। कोविड के टाइम में भी जब लॉकडाउन था तब भी काम नहीं चला था, उसके बाद मर गए थे हम पहले से। जब कोरोना कर्जे उठा के आपने दोबारा से ये काम शुरू किया था? लोगों से उधार पैसे लेके मैंने ये काम स्टार्ट किया था। मैं तो भूखा मर गया हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ। क्यों? 45 हज़ार के जिसका नुकसान हो गया, कहाँ से खिलाएगा बच्चों को? अभी भी आप उधार की किस्तें चुका ही रहे होंगे। कहाँ से? मंडी वालों को पैसे देना, कहाँ से दूंगा मैं? गरीब आदमी क्या करेगा, बच्चों को खिलाएगा या खुद खाएगा? ऐसे दिन के कितने पैसे आपके बन जाते थे यहाँ पर इस रेडी के? 200-300 रुपया बचता था मुझे। 45 हज़ार का सामान लाया था, डबल माल डाला था मैंने, क्योंकि रमजान महीना था, साथ में वो अपना नराते थे, इसलिए मैंने डाला था माल। 10 मेरे प्याज के तोड़े थे, 5 करेट के टमाटर के थे, अदरक की तोड़ा था पूरा एक मेरे पास। क्या करूँ मैं, गरीब आदमी क्या कर सकता है? भूखा मरेगा या खुद फांसी लगा लेगा, और क्या कर सकता है? मोदी साहब जी ये करूँगा मैं विनती,
कि जितना भी नुकसान हुआ है इनको थोड़ा थोड़ा मुआवजा दिया जाए। मौके पर कोई अफसर पहुंचा, आपने कहा SHO पहुंचे थे, उसके अलावा कोई पहुंचा है? जहाँ पे पटवारी आए थे, तहसीलदार आया था, उन्होंने लिख के नाम ले लिए हमारे सभी के नाम। हाँ, लिख के ले लिए, जितनी भी रेडियां थे उन लेके लिखे, बोल रहे कि ठीक है हम आपको थोड़ा बहुत मुआवजा देंगे। कुछ बताया जा रहा है कितना मुआवजा आपको दिया जाएगा? वो तो उनको पता होगा ना, हमें क्या पता, हमें तो पता खाना थाली में खाना डाला हम खा लेंगे घर में, हमें इतना कुछ नहीं पता। तो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे इनमें से वही लोग हैं जिन्होंने रेडियां लगाई थी, कुछ लोकल्स भी थे जिन्होंने देखा कि यहाँ पर सुबह आग लगी है तो वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इन लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों ने जो यहाँ पर सब्जी मंडी में रेड़ी लगाते थे, जो अपनी दुकान चलाते थे, जो यहाँ पर सब्जियाँ बेचते थे, फ्रूट बेचते थे, उन्होंने ये सोचते हुए कि नवरात्र हैं, नवरात्रों में बिक्री ज़्यादा होती है, जो भी नुकसान हमने, जो भी उधार हमने लिया हुआ है उसे हम कंपनसेट कर पाएंगे, उसके चलते लोगों ने यहाँ पर जो है वो सामान रखा हुआ था। लेकिन इस समय पर कल रात की इस आग ने सभी सामान को जलाकर राख कर दिया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि रात को क्योंकि हवा तेज़ थी, अगर आग बुझाने के लिए गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती तो ये आग फैल भी सकती थी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो दुकान यहाँ पर जिनमें आग लगी हुई है, दुकानें यहाँ पर एक के साथ एक जो है दीवारें शेयर कर रही हैं। आगे भी आप देख सकते हैं कि अगर आग बढ़ती तो साथ में मंदिर है, सामने और दुकानें हैं, सामने लोगों के घर हैं, तो ये आग फैलती फैलती कितनी फैल सकती थी। लेकिन मौके पर जो है आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ पहुँची, मौके पर SHO पहुँचे, उन्होंने इस आग को काबू किया। और उसके बाद ये भी आश्वासन इन लोगों को दिया है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें कुछ हद तक कॉम्पनसेशन दी जाएगी। अब देखना ये है कि इन्हें कॉम्पनसेशन मिलती है या नहीं मिलती है, कब तक मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग दिहाड़ीदार हैं। दिहाड़ीदार जो व्यक्ति होता है वो दिन भर की कमाई घर लेकर जाता है और उसी कमाई से अपने बच्चों को खाना खिलाता है। इनकी रेड़ी का जल जाना अब इनके लिए परेशानी की बात है कि ये सुबह से लेकर शाम तक अब काम क्या करेंगे, अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि अभी तो रेड़ी तो जल चुकी है, अब आप क्या काम करेंगे जब तक आपको कंपनसेशन नहीं मिलती? पहले तो हम भूखे प्यासे सुबह के 1:30 बजे से रात को भूखे प्यासे बैठे हैं, यहाँ पे क्या खाएंगे? किसी ने पूछा नहीं हमें पानी पीना क्या करना। जब तक दुकान चलती है सभी पूछते हैं आप भैया क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए, अभी कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि देखो आसपास के लोकल जो उनमें से भी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, माने खाली अपने तहसीलदार आए थे, यहाँ पे पटवारी आए थे, उन्होंने लिख के नाम ले गए चले गए यहाँ से, उन्होंने बोला कि ठीक है जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे पूरा मिल जाए। अपना अपना कारपोरेटर ही हो चेयरमैन है हरदेव सिंह, वो भी आए थे यहाँ पे, कॉर्पोरेटर हैं यहाँ के, उन्होंने बड़ी मदद की हमारी रात को, वो उनको ही पहले फ़ोन आया था यहाँ पे, SHO ने फ़ोन किया था, चुप है, SHO ने फ़ोन किया था यहाँ पे, उनको पहले उन्होंने बुलाया, उनको उन्होंने सब मदद की हमारी यहाँ पे। अब मुझे बताएं लेकिन अब आप काम क्या करेंगे जब तक आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलती, क्या कर सकते? अभी कुछ नहीं, अब यहीं पे बैठना है, कुछ करना कुछ नहीं है, करेंगे कुछ मिलेगा तो कुछ आगे देंगे मंडी में, तो कुछ सामान लाएंगे, अभी तो फिलहाल इधर ही है, जब तक तो कुछ नहीं होगा तो इधर ही बैठे रहेंगे। साफ तौर पर आपने सुन लिया कि और कोई काम भी नहीं है जो ये कर सकते हैं, क्योंकि घर तो चलाना है, पेट तो पालना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुबह से ये लोग, कल 2 बजे से ये लोग यहाँ पर हैं, इनका ये कहना है कि अभी तक किसी ने हमें पानी तक नहीं पूछा है। जिस समय हम यहाँ पर काम कर रहे थे तब कम से कम लोग ये पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं, पानी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब से ये दुकानें जली हैं इन्हें भी मौका नहीं मिला है कि ये एक ग्लास पानी का भी पी लें। और किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर कल रात से हैं, आपकी कोई मदद कर दी जाए।